अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मिसबा जब्बार। वेलकम टू डीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। पहले हम प्रीवियस नॉलेज देख लेते हैं। इससे पहले आप इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स डिटेल से पढ़ चुके हैं। इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। अगर दो आइडेंटिकल वेव्स एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों और वो सुपरपोज करें तो रिजल्टेंट फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस दो तरह से हो सकती है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहले हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख लेते हैं। दो वेव्स, सपोज हमारे पास दो वेव्स हैं, वेव वन और टू, ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं और अगर ये सुपरपोज करें इस तरह से कि क्रस्ट क्रस्ट पर और ट्रफ ट्रफ पर फॉल करे, तो रिजल्टेंट वेव जो हमारे पास आएगी उसका एम्पलीट्यूड लार्ज होगा, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। तो इस तरह से जब दो वेव्स इंटरफेयर करें तो हम इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अगर साउंड वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें तो लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीज होती है, और अगर लाइट वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें तो ब्राइटनेस इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन ब्राइटनेस इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ लाइट वेव्स, इंक्रीज इन लाउडनेस इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ साउंड वेव्स। दूसरी टाइप है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो वेव्स अगर इस तरह से सुपरपोज करें कि एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पे फॉल करे, तो जो रिजल्टेंट वेव हमारे पास आएगी वो इस तरह से होगी, यानी ये दोनों वेव्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अगर दो साउंड वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिक्रीज करेगी, और अगर दो लाइट वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें तो ब्राइटनेस ऑफ लाइट डिक्रीज करेगी। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। Decrease in loudness is observed in case of sound waves. Decrease in brightness is observed in case of light waves. Conditions to observe interference of light. Light की interference observe करने के लिए interfering light waves को कुछ conditions meet करना होती हैं। सबसे पहले ये कि light waves जो interfere कर रही हैं वो monochromatic होनी चाहिए। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है कि दोनों की वेवलेंथ सेम हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि इंटरफेरिंग लाइट बीम्स कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट का मतलब है कि या तो उनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस ना हो और या फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। इंटरफेरिंग लाइट बीम्स मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, डेट इज ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ। इंटरफेरिंग लाइट बीम्स मस्ट बी कोहेरेंट, डेट इज ऑफ कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस और जीरो फेज डिफरेंस। अगर ये दो कंडीशंस मीट नहीं होंगी तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। अब हम देख लेते हैं फेज ऑफ द वेव। ये हमारे पास से एक वेव है, इसकी अगर हम लेंथ को मीटर्स में मेजर करते हैं या सेंटीमीटर्स में, तो ये वेव लेंथ होगी हमारे पास, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और फेज से मुराद है हम इसके जो एंगल शो करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, जैसे यहाँ पे एंगल जीरो है, इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एंगल पाई बाई टू होगा, यहाँ पे एंगल पाई है और फाइनली यहाँ पे एंगल टू पाई होगा। तो इस पोजीशन को, इसके हम एंगल्स को हम फेज ऑफ वेव कहते हैं। पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। सपोज हमारे पास ये एक वेव है, अब एक दूसरी वेव हम यहाँ पे देखते हैं। आप देखें कि पहली वेव ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है और दूसरी वेव ने कम डिस्टेंस कवर किया है। अब इनके दरमियान जो फ़र्क है वो एक कंप्लीट वेवलेंथ के जितना है, यानी फर्स्ट वेव ने एक कंप्लीट वेवलेंथ जितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है। अब अगर ये दोनों वेव्स इंटरफेयर करें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने में आएगी। अब इनके दोनों के डिस्टेंस कवर्ड में जो फ़र्क है उसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो इन दो वेव्स में पाथ डिफरेंस एक कंप्लीट वेव के जितना है। अब यहाँ पे अगर हम एक और वेव देखें तो आप देख सकते हैं कि इस वेव ने पहली दो वेव से भी कम डिस्टेंस कवर किया है।
अगर आप इस थर्ड वेव का फर्स्ट वेव के साथ पाथ डिफरेंस देखें तो ये टू कंप्लीट वेव्स जितना बनता है। फर्स्ट वेव और थर्ड वेव का पाथ डिफरेंस टू कंप्लीट वेव्स जितना है। लेकिन अगर ये फर्स्ट और थर्ड वेव इंटरफेयर करेंगी तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आएगी या रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा, क्योंकि क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल कर रहा है, ट्रफ ट्रफ पे, यानी कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस है यहाँ पे, और जो पाथ डिफरेंस है वो फुल वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो यहाँ से हमारे पास हम एक कंक्लूड कर सकते हैं कि पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमेशा या तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, या पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होगा फुल वेवलेंथ का तो भी इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगी। नो पाथ डिफरेंस और पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड अप टू सो ऑन। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू एम लैम्डा। डेल्टा एस से हम पाथ डिफरेंस शो कर रहे हैं, एम रिप्रेजेंट इंटीजर्स एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। तो m यहाँ पे अगर 0 है, 1, 2, 3, 4, तो ये कंडीशन जो है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पाथ डिफरेंस की कंडीशन है कि पाथ डिफरेंस हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा फुल वेवलेंथ का। पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे हमारे पास दो वेव्स हैं, इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो हम देखते हैं। फर्स्ट वेव ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है सेकेंड वेव की निस्बत। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वेव ने सेकेंड वेव से 3.5 वेवलेंथ जितना डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है, 3.5 वेवलेंथ जितना डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है। अब जब ये दो वेव्स इंटरफेयर करेंगी तो रिजल्ट हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सूरत में आएगा, यानी ट्रफ क्रस्ट पे फॉल कर रहा है और क्रस्ट ट्रफ पे फॉल कर रहा है। तो यहाँ से हम एक कंडीशन डिराइव कर सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सूरत में पाथ डिफरेंस हमेशा क्वाड इंटीग्रल मल्टीपल होगा हाफ वेवलेंथ का, यानी लैम्डा बाय 2 अगर पाथ डिफरेंस है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, 3 लैम्डा बाय 2 होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, 5 लैम्डा बाय 2 होगा तो। यहाँ से हम एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पाथ डिफरेंस के लिए, डेल्टा एस इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा। अब हम पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय थॉमस यंग इन 1801। थॉमस यंग वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु परफॉर्म्ड दिस एक्सपेरिमेंट इन 1801। दिस एक्सपेरिमेंट कंफर्म्ड वेव नेचर ऑफ लाइट। In this experiment, we will study formation of bright and dark fringes as a result of interference of light. Distance of any bright or dark fringe from central bright fringe. इस experiment से हम ये भी calculate करने का formula derive करेंगे. Distance between two adjacent fringes. दो consecutive bright या dark fringes के दरमियान distance find करने का formula भी हम इस experiment से find करेंगे. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका एक डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास एक स्लिट है जिसको हमने एस नॉट से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे ये दो स्लिट्स है S1 और S2, और C से हमने स्क्रीन को शो किया है। तो लाइट यहाँ पे आ रही है प्लेन वेव फ्रंट्स की सूरत में। जब ये स्लिट एस नॉट से पास करेगी तो ये बेंड हो जाती है। अब ये बेंड होने के बाद जब ये लाइट S1 और S2 दो स्लिट्स में से पास करेगी तो ये दो वेव्स में डिवाइड हो जाएगी, यानी इस तरह हम मोनोक्रोमेटिक लाइट अटेन कर लेंगे जो कि सिंगल वेवलेंथ की होगी। अब ये दो वेव्स जब इंटरफेयर करेंगी तो जहां स्क्रीन के ऊपर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आएगा, जहां पे ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी वहां पे हमें स्क्रीन के ऊपर ब्राइट रीजन नजर आएगा, और जहां पे ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी वहां पे हमें स्क्रीन के ऊपर एक डार्क रीजन नजर आएगा। ब्राइट रीजन को हम ब्राइट फ्रिंज कहते हैं और डार्क रीजन को हम डार्क फ्रिंज कहते हैं। ये इंटरफेरेंस पैटर्न इस तरह का होगा, लाइट एरियाज ब्राइट फ्रिंजेस को शो कर रहे हैं और इसके साथ जो डार्क एरियाज हैं वो डार्क फ्रिंजेस को शो कर रहे हैं। ब्राइट फ्रिंज को हम मैक्सिमा भी कहते हैं और डार्क फ्रिंज को मिनिमा भी कहते हैं, और इसको हम ब्राइट बैंड या डार्क बैंड भी कह सकते हैं।
ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, अब हम इसकी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये दो स्लिट्स हैं, ए पॉइंट एक स्लिट को शो कर रहा है और बी पॉइंट दूसरी स्लिट को शो कर रहा है। इन दोनों स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस डी है, यानी स्लिट सेपरेशन डी है। ये हमारे पास स्क्रीन है, एक लाइट रे ए से आती है और स्क्रीन के ऊपर पॉइंट बी पे फॉल करती है, और दूसरी रे दूसरी स्लिट यानी बी से आती है और स्क्रीन के ऊपर पॉइंट पी पे फॉल करती है। अब इस पॉइंट पी पे दो लाइट रेज जो मीट करेंगी, तो अगर वो कंस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी, सुपरपोज करेंगी, तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ब्राइट रीजन हमें नजर आएगा, और अगर वो डिस्ट्रक्टिवली सुपरपोज करेंगी, इंटरफेयर करेंगी, तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डार्क रीजन नजर आएगा। अब ये ब्राइट, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों रेज के दरमियान पाथ डिफरेंस कितना है। ए पी को हमने रे वन या आर वन कह दिया और बी पी को हमने रे टू या आर टू कह दिया। अब आप देख सकते हैं कि ए पी स्मॉल है एज कंपेयर टू बी पी, इसका मतलब है कि बी पी ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है ए पी की निस्बत। हम अब इनके इसने जो पाथ डिफरेंस है वो फाइंड करने के लिए हम ए से बी पी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए डी। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो अब आप देखें कि ए पी इक्वल है डी पी के। अब ये जो एक्स्ट्रा पाथ है यानी बी से डी तक जो एक्स्ट्रा पाथ यहाँ पे नजर आ रहा है, ये पाथ डिफरेंस है जिसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया है। अगर ये पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होगा फुल वेवलेंथ का, तो स्क्रीन के ऊपर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और अगर ये पाथ डिफरेंस क्वाड इंटीग्रल मल्टीपल होगा हाफ वेवलेंथ का, तो स्क्रीन के ऊपर डार्क फ्रिंज बनेगी। अब पाथ डिफरेंस हम फाइंड करने के लिए इसी डायग्राम को हम दोबारा देखते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है ए बी डी। अब इस ट्रायंगल में साइन थीटा, इन ट्रायंगल ए बी डी साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहाँ पे एंगल के बिल्कुल सामने यानी बी डी, तो परपेंडिकुलर की जगह पे हमने पुट कर दिया बी डी, और हाइपोटेन्यूस जो है वो है ए बी, बी डी ओवर ए बी। बी डी जो है ये पाथ डिफरेंस है, जबकि ए बी स्लिट सेपरेशन है जो कि डी के इक्वल है। तो ये इक्वेशन हमारे पास यूं बन जाएगी नेक्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी ओवर डी। बी डी पाथ डिफरेंस है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा, यानी पाथ डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई डी साइन थीटा। बी डी लेंथ को हम डी साइन थीटा के इक्वल ले सकते हैं जो कि पाथ डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होगा फुल वेवलेंथ का, यानी डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये पाथ डिफरेंस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा हाफ वेवलेंथ का, यानी डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा। ये हमने पाथ डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब हम डिस्टेंस ऑफ एनी फ्रिंज फ्रॉम सेंटर फाइंड करेंगे। हम इसी डायग्राम को दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे आप देखें कि स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैपिटल एल है। सी से हमने सेंटर ऑफ द स्क्रीन को शो किया है जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और ये पॉइंट पी और सी के दरमियान डिस्टेंस वाई है। अब यहाँ पे एक और ट्रायंगल आपको नजर आ रही है जिसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया है, वो ट्रायंगल है पी ई सी। अब इस ट्रायंगल में हम टेन थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं, तो टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है ये पी सी जो कि इक्वल है वाई के, और बेस है हमारे पास ई सी जो कि लेंथ एल के इक्वल है। सो टेन थीटा हमारे पास आ गया वाई ओवर एल। अगर एंगल स्मॉल हो बहुत, तो हम टेन थीटा को इक्वल ले सकते हैं साइन थीटा के। सो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एल, यानी हम साइन थीटा की जगह पे टेन थीटा पुट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला डिराइव करना है किसी भी फ्रिंज का सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ऑफ ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंटर फाइंड करेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा।
अब जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि साइन थीटा को हम टेन थीटा के इक्वल ले सकते हैं, तो इस इक्वेशन को हम यूं लिख लेंगे, डी टेन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। टेन थीटा की वैल्यू है वाई ओवर एल, तो टेन थीटा की जगह पे हम वाई ओवर एल पुट कर देंगे, डी वाई ओवर एल इज इक्वल टू एम लैम्डा। हमने ये डिस्टेंस y फाइंड करना है जो कि ब्राइट फ्रिंज से सेंटर तक का डिस्टेंस है, तो l को हम इक्वेशन के दूसरे तरफ ले जाएंगे जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके, और d को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू एम लैम्डा एल ओवर d। इस फॉर्मूला से आप किसी भी ब्राइट फ्रिंज का सेंटर से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब हम डिस्टेंस ऑफ डार्क बैंड फ्रॉम सेंटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पाथ डिफरेंस का रिलेशन हमारे पास है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा। साइन थीटा को हम पुट करेंगे टेन थीटा के इक्वल, तो ये इक्वेशन बन जाएगी डी टेन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा। टेन थीटा इक्वल है वाई ओवर एल के, तो ये इक्वेशन यू बन जाएगी डी वाई ओवर एल इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा। अब यहां से हमने y डिस्टेंस फाइंड करना है, तो l को इक्वेशन के दूसरे तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा l, और d इक्वेशन के दूसरे तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल रिलेशन हमारे पास यू आ जाएगा, वाई एम इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा एल ओवर d। इस फॉर्मूले से आप किसी भी डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस सेंटर से फाइंड कर सकते हैं। अब हम डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बैंड्स फाइंड करेंगे। इस डायग्राम में आप एक इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहे हैं लाइट का, तो जब लाइट इंटरफेयर करती है तो स्क्रीन के ऊपर हमें यूं इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आता है, यानी हमें ब्राइट रीजन्स नजर आते हैं और डार्क रीजन्स नजर आते हैं। ब्राइट रीजन्स को हम मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज कहते हैं और डार्क रीजन्स को मिनिमा या डार्क फ्रिंज कहते हैं। अगर हमने एक ब्राइट फ्रिंज से दूसरे ब्राइट फ्रिंज तक का डिस्टेंस फाइंड करना या एक डार्क फ्रिंज से दूसरे डार्क फ्रिंज तक का डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। इसको फ्रिंज स्पेसिंग भी कहते हैं, कि टू कंसेक्यूटिव ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना, तो उसके लिए हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले सपोज हमारे पास जो पहली ब्राइट फ्रिंज है उसको हम mth ब्राइट फ्रिंज कह लेते हैं। For the mth bright fringe, y m is equal to m lambda l over d. यानी bright fringe का center से जो distance है, वो formula हमने यहाँ पे लिख लिया। अब m से next bright fringe जो होगी, वो m plus 1 होगी। For the m plus 1th bright fringe, y m plus 1 is equal to, इस m की जगह पे भी m plus 1 आ जाएगा, lambda l over d. यानी अगर m fringe first fringe है, तो 1 second bright fringe होगी। तो दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करेंगे, जो कि आप दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम इन दोनों के डिफरेंस से फाइंड करेंगे। डेल्टा वाई से हम फ्रिंज स्पेसिंग शो करते हैं, इज इक्वल टू वाई एम प्लस 1 माइनस वाई एम, यानी इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो y m plus 1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा m plus 1 lambda l over d minus y m की जगह पे आ जाएगा m lambda l over d। m plus 1 में से m भी lambda l over d के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 भी lambda l over d के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन यूं बन जाएगी, m lambda l over d plus lambda l over d minus m lambda l over d माइनस एम लैम्डा एल ओवर डी और एम लैम्डा एल ओवर डी, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, तो हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा एल ओवर डी। इस फॉर्मूले से हम फ्रिंज स्पेसिंग या दो एडजेसेंट ब्राइट या डार्क बैंड्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब हम की पॉइंट्स देख लेते हैं। इंटरफेयरिंग लाइट बीम्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट, यानी सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए दोनों की और कांस्टेंट फेज डिफरेंस या जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए दोनों इंटरफेरिंग लाइट बीम्स के दरमियान। पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज एम लैम्डा, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ। पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज एम प्लस हाफ लैम्डा,
दैट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ. डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर इज एम लैम्डा एल ओवर डी. डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर इज एम प्लस हाफ लैम्डा एल ओवर डी. फ्रिंज स्पेसिंग इज लैम्डा एल ओवर डी. यानी टू कंसेक्टिव ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस आप इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे. असाइनमेंट, ये MCQs हैं जो आप सॉल्व करेंगे. टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर कोहेरेंट इफ दे एमिट रेज ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, सेम वेवलेंथ विद कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस, सेम एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ. The condition for constructive interference of two coherent light beams is that the path difference should be integral multiple of lambda by 2, integral multiple of lambda, odd integral multiple of lambda by 2, even integral multiple of lambda. In Young double slit experiment, fringe spacing is lambda L over D, lambda L, 2 lambda L over D, none. That's all about today's lesson. Thank you very much.